ट्रेड आरक्षक मनोज सेन हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कल जिस प्रकार की घटना हुई है। कल घटना हुई है, क्या ये विवाद चल रहा था पूरा? ना तो वो पैसा दे रहा था ना मेरी गाड़ी दे रहा था, और वही है कि बना के दूंगा, कभी पैसा दूंगा, ऐसे करके घुमाते रहा। रोज़ जाता था उसके पास, जब मेरी गाड़ी मेरे पास थी तो उस जस्ट जैसे 4 तारीख को लिया था, तो उसके बाद फिर 5 तारीख से जो लगातार मेरा जाना आना था उसके पास से कि गाड़ी बना दो भैया करके। कब बताया कि गाड़ी ख़राब है करके? वो उसी दिन की बात थी जहाँ अपन MT में चेक कराए ना, तो वहाँ बोले, तो अपन बात किए थे पैसा देने के पहले कि इसमें प्रॉब्लम है करके, तो बोला था कि अपन बना के भी देंगे गाड़ी, नाम ट्रांसफ़र भी करेंगे, और फर्स्ट पर्सन जो बीमा होता है वो भी करके देंगे करके। तो उसके बाद फिर जो 70,000 जो बचा था, तो वो इसीलिए बचाया गया था कि मतलब जब बन जाएगा गाड़ी, नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो 70,000 आप देना मेरे को करके। तो गाड़ी ना तो बना के दिया वो, और फिर जब मैं परेशान हो गया तो फिर उसके बाद फिर क्या बोलते हैं ना, वो पैसा भी नहीं दिया, पैसे के लिए भी घुमाते। कितने में हुआ था? 3,70,000। 3 लाख दे चुके थे? हाँ, 3 लाख पूरा नगद दे दिया था मैं। और गाड़ी बनाने के बाद 70,000 देने की बात का था? जी, गाड़ी बनने के बाद और नाम ट्रांसफ़र होने के बाद। तो इस दौरान पूरा लगातार वो घुमाता रहा? हाँ, घुमाता रहा। मतलब किसी भी चीज़ के लिए मैं जाता था, तो मतलब एक ऐसा स्थिति हो गया था, खड़ा हो गया था, मैं जाता था तो उनके स्टाफ वाले लोग हंसते थे, मतलब इतना आना जाना घूम रहा है करके। जिनके साथ मेरा संपर्क था, एक नायर करके अंकल हैं जो गाड़ी लेके आए थे, तो वो बोलते भी थे, यार मेरे समझ नहीं आता है भैया आपको क्यों घुमा रहे हैं करके। मैं खुद मतलब एक उसका वर्कर हूँ, और मैं भी धीमी आवाज़ में उनको एक बार टच करता हूँ कि भैया इनका देख लो, कहा इतना पैसा दिया है वो, उनका कहे वो नहीं कर रहे हो करके। लेकिन पता नहीं उसको ऐसा क्या हुआ था, तो घुमाते रहा। कम से प्रताड़ित हो गए थे? एकदम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित था। और जिस दिन मैं ये घटना किया, उस दिन वो बोला मैं घर में हूँ करके, मतलब मैं बेंगलोर गया था, क्योंकि जब पहले मेरे को होली के जस्ट दूसरे दिन बुलाया गया पैसा दूंगा करके, तो वहाँ जब गया ना तो उसकी शॉप बंद था, तो फ़ोन लगाने के बाद मैं उनको बोला भैया आप आज के दिन बुलाए थे पैसा देने के लिए करके, मतलब वो तीसरी चौथी बार थी ना, तो तब की बात बता रहा हूँ, उससे पहले और बुला चुका था, लेकिन फिर इस टाइम बुलाया। तो मैं बोला चलो ठीक है ऐसे करके, तो फिर जब फ़ोन लगाया तो बोलता मैं बेंगलोर आ गया हूँ। अब बेंगलोर आ गया तो मैं बोला भैया कब आओगे, तो बोलता मंगलवार को आऊँगा। अब मंगलवार को आऊँगा बोले तो चलो ठीक है, मंगलवार तक अब चले गए हो तो ऐसे करके। उसके बाद मैं उसको व्हाट्सअप भी किया था, मैं बोला भैया एकदम त्रस्त हो गया हूँ मैं आपसे, ज़्यादा होगा तो मैं आपसे ना आपका नाम लिख के मैं आत्महत्या कर लूँगा करके। उसके बाद फिर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर मैं उसको फिर मैसेज किया, मैं बोला आप मेरे को कोई समझाइश नहीं दे रहे हो ऐसे करके। तो इसके बाद बोला वो बुजदिलों का काम है आत्महत्या करना। तो मैं वही बोला बुजदिल आप जैसे महान आदमी लोग ही बनाते हो, इतना घुमा घुमा के पैसा भी दे दिया हूँ, ना चीज़ दे रहे हो ना पैसा दे रहे हो करके। तो उसके बाद फिर अब दिया था मेरे को मंगलवार को, तो उसी दौरान जब मेरे को वो बोला था ना कि मतलब मैं बेंगलोर गया हूँ करके, तो मैं उसका लोकेशन पता करने के लिए ना कंट्रोल रूम गया था। कंट्रोल रूम जाने के बाद ना वहाँ एक यादव सर से बात हुई थी, उनको पूछा था सर उनका मेरे को वो चाहिए करके, लोकेशन चाहिए कि रियल में गया है कि नहीं गया है ऐसे करके। तो बोले यार हम तो ऐसे दे नहीं सकते, आप 2 दिन बाद आओ, मैं उनके एक संस्था का जो आदमी है उनका नंबर दूंगा, आप वो दिलवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि संस्था एक दूसरे से जुड़े रहते हैं ऐसे करके। तो उसके बाद उद्योग भवन के पास एक विक्की सरदार जी का ना वो है, वही पुरानी वाली गाड़ी बेचने का शोरूम है, तो उनका नंबर मेरे को दिया। तो उनको परसों मैं रात को पूरा डिटेल में बताया था, सर ऐसे ऐसे मेरे साथ बीत गया है करके, तो बोले ठीक है सुबह तुम आना, और मंगलवार को तो दूंगा ही बोला है। तो जैसे दूसरे दिन मंगलवार था, सोमवार की बात हुई थी, तो फिर उसके बाद मैं बात किया, फ़ोन लगाने बोले, तो बोलता है मनोज भाई मैं आधे घंटे बाद तुम्हारे को लगाता हूँ ऐसे करके। अब आधे घंटे देखते देखते 1 घंटा जैसे हो गया, नहीं लगाया वो। तो फिर मैं बोला भैया वो नहीं लगाया करके, तो फिर बोला फिर लगाओ उसको करके, फिर लगाया। तो बोलता है मैं अभी तो आया हूँ यार, तुम शाम को आओ सीधा ऐसे करके। तो फिर अब सामने में वो थे विक्की भैया, तो बोले यार रुक जाओ ऐसे करके, मैं बात करता हूँ उसको करके। तो अपने तरीके से बात किए कि यार दे दो, सरकारी आदमी है, ज़बरदस्ती काहे परेशान कर रहे हो उसको करके। तो शायद उनको लगा होगा कि मतलब वो मेरे को बोल रहे हैं करके, तो शायद उनको बोले होंगे कि मतलब तुम कैसे बोल रहे हो ऐसे वैसे करके। तो बताया भाई मेरा परिचय का मतलब कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था कि संस्था वाले हो तो एक दूसरे सब जुड़े रहते, तो उनको थोड़ा सा वो करो करके देने के लिए, वो थोड़ा सा फोर्स करो करके। तो उसके बाद फिर वैसा कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करता, दिमाग तो मेरा घूम गया था, तो मैं बोला वो तो नहीं आया हूँ बोल रहा है, घर में हूँ बोल रहा है, अभी आया हूँ करके। तो मैं अपना राइफल पकड़ा, मतलब मेरे साढ़ू भाई का, और मैं उसका जो स्टाफ वाले हैं उनके पास मैं रिक्वेस्ट करने जाऊँ गया था
कि मतलब भैया आप गाड़ी दिलवा दो नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगा यहीं करके। लेकिन जब मैं गया ना तो गलती से वो आदमी वहाँ बैठा था, जो आदमी घर में हूँ बोल रहा था वो आदमी वहाँ बैठा था, पर मेरे को देखा तो और हंस दिया। मतलब ऐसा स्थिति खड़ा कर दिया वो, मतलब मेरे को देखने के हंसने के बाद कि मैं अपना आपा खो बैठा फिर। तो फिर मैं उसके बाद वहीं पे राइफल उनसे मंगी थी आपने साढ़ू से कि नहीं? वो कभी भी जैसे ड्यूटी व्यूटी आते जाते थे ना तो छोड़ देते थे मेरे पास वो। अच्छा जी जी कभी जी, मतलब कहाँ लेके घूमते रहूँ ऐसे करके। अब सगा साढ़ू है, अब पुलिस लाइन में मेरा क्वार्टर है तो मतलब छोड़ के चले जाता था। तो मतलब वहीं छोड़ देता? हाँ छोड़ देता था, चले जाता था। मतलब ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मतलब इससे पहले भी मतलब ड्यूटी व्यूटी लगते रहता था उनका। सी एम कुछ पछतावा है क्या घटना के बारे? पछतावा तो यही है कि मतलब उस विचार से नहीं गया था मैं, जिस जो घटना हुआ मैं उस विचार से नहीं गया था। मतलब अचानक से हुआ, देखने के बाद एकदम वो हो गया। मतलब देखने के बाद और उसके हंसने के बाद ना एकदम अचानक मेरा मतलब देख के हंसा भी वो। हाँ देखा भी, हंसा भी वो। तब मेरे को गुस्सा लगा कि मतलब आदमी एक तो पहले झूठ ये बोला कि मतलब मैं घर में हूँ, अभी आया हूँ यार के बेंगलोर से करके बोला, और यहाँ आके देखता हूँ तू बैठा है और देख रहा है तो मेरे को हंस रहे से करके। तो कौन सी गाड़ी थी वो कार? वो चेवरलेट की कैप्टिवा कार थी जी। वो आज भी शायद बनने के लिए वो मैकेनिक के पास है। मतलब वो मतलब ध्यान ही नहीं दे रहा था कि बनाना है, चलो किसी की जिम्मेदारी टाइप का। मतलब वो कभी वो ध्यान ही नहीं दिया कि मतलब इसको पैसा दे दूँ या फिर गाड़ी दे दूँ ऐसे टाइप का। तो ये थे हमारे साथ गोलीकांड के आरोपी मनोज सेन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार संजय अग्रवाल के द्वारा गाड़ी के नाम से उनको घुमाया जा रहा था, जबकि 3 लाख वो दे चुके थे, 70,000 बाकी था, और उसी बात से वो लगातार प्रताड़ित हो रहे थे, और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। कैमरा में राहुल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।